Viewers, welcome once again to this channel. इस्लाम में कई संप्रदाय और समूह हैं। अहमदिया इस्लाम के संप्रदायों में से एक है। इस वीडियो में हम अहमदिया संप्रदाय के गठन और बेंगलुरु में अहमदिया मुस्लिम समुदाय मस्जिद के इतिहास का पता लगाएंगे। अहमदिया संप्रदाय की स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा कादियान, पंजाब, भारत में की गई थी। कादियान मिर्जा गुलाम अहमद का जन्मस्थान और 1947 तक अहमदिया आंदोलन का मुख्यालय था। 13 फरवरी 1835 को हजरत मिर्जा गुलाम अहमद का जन्म कादियान गांव में हुआ था। उन्होंने 23 मार्च 1889 को लुधियाना में अपने समर्थकों से औपचारिक रूप से वफादारी स्वीकार करके अहमदिया समुदाय की स्थापना की। लगभग एक दशक बाद तक अहमदिया नाम नहीं अपनाया गया था। बेंगलुरु जमात के अध्यक्ष मोहम्मद हशमतुल्लाह का कहना है कि अहमदिया मुस्लिम समुदाय मसीहा में विश्वास करता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान इस आंदोलन को प्रमुखता मिली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कम्युनिटी, इज कॉल्ड एज अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी। दिस इज बेसिकली फाउंड बाय हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी। 26 मई 1908 को हजरत मिर्जा गुलाम अहमद का लाहौर में उनके चिकित्सक डॉक्टर सैयद मोहम्मद हुसैन के घर पर निधन हो गया। उन्हें कादियान में दफनाया गया। उनके निधन के समय उनके लगभग 4 लाख अनुयायी थे। संस्थापक और मसीहा के निधन के बाद संप्रदाय का नेतृत्व खलीफाओं की एक श्रृंखला ने किया है। हकीम नूर उद्दीन को सर्वसम्मति से उनके पहले उत्तराधिकारी और समुदाय के खलीफा के रूप में चुना गया था। हकीम नूर उद्दीन ने जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा रणबीर सिंह के शाही चिकित्सक के रूप में कार्य किया। नूर उद्दीन 1889 में गुलाम अहमद के प्रति निष्ठा रखने वाले पहले व्यक्ति थे। पहले खलीफा की मृत्यु के तुरंत बाद मिर्जा बशीर उद्दीन महमूद अहमद को दूसरे खलीफा के रूप में चुना गया। महमूद अहमद स्वतंत्रता पूर्व भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति बन गए और भारत में खिलाफत आंदोलन की गतिविधियों से असहमत थे। मिर्जा ताहिर अहमद को 10 जून 1982 को अहमदिया मुस्लिम समुदाय के चौथे खलीफा के रूप में चुना गया था। 2003 में चौथे खलीफा की मृत्यु के बाद मिर्जा मसरूर अहमद को अहमदिया मुस्लिम समुदाय का 5वां खलीफा चुना गया। मिर्जा मसरूर अहमद यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं और समुदाय के आध्यात्मिक और प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। Bangalore since 1902, my great grandfather was the person from our this Bangalore who embraced this. What was the name of your grandfather? His name was M. Musa Raza Sahib and Sons Sahib. So he was the person who had come into this community, and then we are about. I am the fourth generation. We are about 6 generations now. My great grandchild also is there. So 6 generations. Alhamdulillah, a organization worldwide called. Humanity first. So we have been helping out the people who are in trouble, where there are earthquakes, natural disasters, or any other type of epidemics. We are doctors, our engineers, our other volunteers always work there, and we have been trying. We are trying to serve the humanity as far as possible. This mosque. This is actually a burial ground was allotted to us in 1936. So after a few years, when the area became populated, we were prohibited to bury our dead. So after that, you know, this was converted into a mosque. In 1992, we have built this mosque, and alhamdulillah, we have a very good members here. At that time, they had allotted a small burial ground in Wilson, Shanti Nagar, a very small, but it's already completed. We have been approaching the government now, saying that we don't have any other burial ground to bury our dead. So we hope the government will help us in the immediate future. At the moment, we have got very small place. It is not even 5,000 square feet, just adjacent to the Hindu burial ground in Shanti Nagar. So we are looking forward to that. And we are expecting the government to help us out in that. The material, information, and content in this video are intended for general information and entertainment purposes only.
They do not reflect the opinions, teachings, beliefs, ideologies, or viewpoints of any particular religious group, denomination, sect, or political organization. We are not affiliated with any specific movement, sect, group, or association.